हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये टॉपिक बहुत ही लेस डिस्कस टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, यानी कि कलरिंग माइलस्टोन्स के ऊपर, कि 1 से 3 साल के बीच में बच्चे कैसे कैसे कलरिंग एबिलिटी को डेवलप करते हैं, कौन से कलर्स हम बच्चों को दे सकते हैं, किस तरह की कलरिंग बुक हम बच्चों को दे सकते हैं, वही सारी बातें हम इस वीडियो में आज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कलरिंग माइलस्टोन्स क्या होते हैं। 1 से 1.5 साल के बच्चे स्क्रिबल करते हैं बड़े सरफेसेस पे, मतलब आप उनको कुछ भी क्रेयॉन्स अगर देंगे तो वो चाहेंगे कि वॉल पे स्क्रिबल करें या फिर फ्लोर पे स्क्रिबल करते हैं, तो बड़े बड़े सरफेसेस पे उनको चाहिए होता है। तो इस टाइम पे आपको कोई भी कलरिंग बुक बच्चे को देने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े बड़े चार्ट पेपर्स दे सकते हैं, आप उनको कार्डबोर्ड बॉक्सेस दे सकते हैं। कार्डबोर्ड बॉक्स के लिए कौन से कलर्स लगते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। 1.5 से 2 साल के बच्चे स्क्रिबल करते हैं छोटे सरफेसेस पे, जैसे कि पेपर। तो यहाँ पे आप उनको या तो कोई रफ पेपर दे सकते हैं जिसमें कि वो स्क्रिबल करेंगे, या तो आप उनको ऐसे कलरिंग बुक्स दीजिए जिसमें कि एक पेज पे सिर्फ एक बड़ा सा पिक्चर दिया हुआ रहता है, ताकि बच्चा जब उसको स्क्रिबल भी करेगा तो उसे लगेगा कि वो उसको कलर कर रहा है। उसके बाद 2 से 2.5 साल के बच्चे भी स्क्रिबल करते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है कि अगर आप उनको कोई पेपर देंगे और पेपर के कॉर्नर में एक ड्रॉइंग बनी हुई रहेगी, तो पूरा पेपर छोड़कर वो उस ड्रॉइंग के ऊपर स्क्रिबल करेंगे। तो इसका मतलब कि उनको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है चीज़ों को कलर करने में। तो यहाँ पर हम उनका हाथ पकड़ के विद इन लाइंस कलरिंग कराना स्टार्ट करेंगे, और करते करते ये 1 साल हो जाता है, और फिर 3 से 5 साल के बीच में बच्चों को परफेक्टली विद इन द लाइंस कलरिंग करना आता है। ये तो हो गई कलरिंग माइलस्टोन्स की बात। उसके बाद हम आते हैं कि बच्चों को कलर कौन से देने होते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्रेयॉन्स कलर पेंसिल में से अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो कलर पेंसिल नहीं देना है 3 साल से पहले तक, आप क्रेयॉन्स दीजिए। क्रेयॉन्स में भी 2 तरीके का मिलेगा आपको, ऑयल पेस्टल्स मिलेगा और वैक्स क्रेयॉन्स मिलेगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जब आप ऑयल पेस्टल यूज़ करेंगे तो बहुत ही डार्क रहता है, बच्चों को बहुत कम प्रेशर लगाना पड़ता है कोई भी चीज़ कलर करने में। वैक्स क्रेयॉन थोड़ा सा लाइटर रहता है, बच्चों को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है उसको यूज़ करने के लिए। ये देखिए, वैक्स क्रेयॉन्स में से मैंने कलर लिया है और ये कितना लाइटर शेड है, और ये ऑयल पेस्टल का बॉक्स है, सेम कंपनी का है, और इसका जो कलर है वो काफ़ी डार्क आता है। अब इस वैक्स क्रेयॉन्स में भी 2 तरीके के आते हैं, ये प्योर वैक्स क्रेयॉन्स है और दूसरा एक आता है नॉन टॉक्सिक, और उसमें प्लास्टिक क्रेयॉन्स करके बोलते हैं, वो थोड़ा और लाइट होता है इसलिए मेरे बच्चे उसको पसंद नहीं करते हैं। अब दोनों में से आपको कब कौन सा चूज़ करना है, जब भी आप बच्चों को कार्डबोर्ड पे करा रहे हैं या बड़े सरफेसेस पे कराते हैं बच्चों से, तो आप ऑयल पेस्टल्स दीजिए। कार्डबोर्ड पे क्रेयॉन्स नहीं दिखता है, जो वैक्स क्रेयॉन्स होते हैं वो कार्डबोर्ड पे वो ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, तो बच्चे इतने एक्साइटेड नहीं होंगे उसको कलर करने में। उसके बाद 3 साल के ऊपर के बच्चे जो स्कूल जाने लग जाते हैं, तो उनको आप वैक्स क्रेयॉन्स ही दीजिए, क्योंकि ऑयल पेस्टल्स में मैंने एक प्रॉब्लम फेस की है कि बच्चे क्योंकि नया नया लिखना स्टार्ट करते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि कितना प्रेशर देना है बुक के ऊपर, इसीलिए उनकी पेंसिल भी कभी कभी टूट जाती है। तो जो ऑयल पेस्टल्स होते हैं वो बहुत डार्क कलर होते हैं, तो बच्चों को अगर कोई एक छोटी सी ड्राइंग कलर करनी होती है तो ऑयल पेस्टल वो इतना प्रेशर दे के करते हैं कि पूरी की पूरी जो फोटो होती है वो दिखती ही नहीं है। तो उसके लिए वैक्स क्रेयॉन्स ही सही है, जो कि लाइटर होता है, तो बच्चे कितना भी उसको कलर कर लेंगे लेकिन एटलीस्ट बॉर्डर्स उस ड्राइंग के दिखते रहेंगे। लेफ्ट साइड पे ऑयल पेस्टल से किया है, देखिए जैकेट के अंदर की डिटेलिंग नहीं दिख रही है। राइट हैंड साइड पे क्रेयॉन से किया है, कितना नीट एंड क्लियर है। ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट लगता है, लेकिन जब बच्चे स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं या फिर होमवर्क उनको करना होता है, तब वो बहुत नीट नहीं दिखता है अगर इस तरह से जो पूरी ड्रॉइंग है वो छुप जाए। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने इनिशियली ही बच्चे को ऑयल पेस्टल दिया है तो वो इतना डार्क और ब्राइट होता है कि बच्चे बाद में क्रेयॉन्स यूज़ करना नहीं चाहते हैं। ये मैंने फेस किया हुआ है ये प्रॉब्लम। तो आप दोनों ही कलर बच्चे को इंट्रोड्यूस करिए, पहले आप वैक्स क्रेयॉन्स करिए, उसके बाद आप ऑयल पेस्टल्स पे आइए, उसके बाद आप वाटर कलर्स, फैब्रिक कलर्स, जो आगे कलर्स आपको देने हैं वो आप उनको दे सकते हैं, और कलर पेंसिल स्कूल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि दिन में कितने बार बच्चों से कलरिंग कराना होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सुबह के टाइम पे 10 मिनट कराइए और शाम के टाइम पे 10 मिनट कराइए बस। स्पेशली अभी के टाइम पे, बिकॉज बच्चे इंडोर्स हैं तो अगर ज़्यादा नियर एक्टिविटी करते हैं तो उनके आँखों पर असर पड़ता है, मायोपिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप नियर एक्टिविटी कम से कम कराइए बच्चों को। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।